ये राज्य का महल मेरे बैकग्राउंड में सुनिए। तो ये गाइस मेरा नाम है हर सिंह एंड आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है हरि सिंह महल के ऊपर। एंड जो पहला वीडियो था वो था मेले के ऊपर, उसको आपने बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट दिया एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। एंड आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है सोने की कुर्सी के ऊपर, जो राज्य के महल में है, हरि सिंह पैलेस बोलते हैं इसको। और जो यहाँ पे पीछे हरि सिंह पैलेस है तो यहाँ पे है ये मांडावली साइड, तो हम यहीं पे आए हैं, तो आज का वीडियो यहीं पे ही होने वाला है। तो मैं यहाँ पे म्यूजियम भी है, लाइब्रेरी भी है और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो राजा महाराजा के टाइम की हैं, और मैं ये सब आपको दिखाऊंगा आज के इस वीडियो में। तो जो सामने हरि सिंह पैलेस है तो अभी हम वहां से अंदर जाऊंगा और वहां से टिकट कटाऊंगा। एंड ये सब मेरे साथ मेरे दोस्त हैं और ये भी मेरे साथ आए हुए हैं, यहाँ से आगे आगे जाना है। और ये राजा का महल है, पूरा का पूरा म्यूजियम है। एंड वो सामने से हमें टिकट्स वगैरह मिलेंगी और यहाँ पे पीछे रेस्टोरेंट भी है एंड बैंकट भी है, यहाँ वेडिंग हॉल भी है। तो यहाँ पे बहुत सारी पार्क्स भी, वो साइड पे मूर्ति भी है। तो ये यहाँ से ये वे काउंटर लिखा हुआ सामने, वहां से हमें टिकट मिलेगी और हम अंदर जाएंगे फिर। तो फिर ये पूरा महल है, बहुत बड़ा है अंदर से, तो मैं आपको दिखाऊंगा पूरा, ठीक है। 1:20 तो मतलब मार्च के टाइम पे ना यहाँ पे 1 बजे के बाद ना बंद हो जाता है 1 घंटे के लिए, फिर 2 बजे वापस खुलता है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ी देर पार्क में बैठेंगे एंड थोड़े इन्जॉय वगैरह करेंगे जब तक टिकट्स का काउंटर नहीं खुलता। तो जैसे ही काउंटर वगैरह खुलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ, वैसे मैं आपको सबसे पहले व्यू दिखा देता हूँ बाहर से। ये है पूरा महल, ठीक है। और ये साइड पे इसके पार्क, ये मूर्ति लगी है महाराजा की। एंड वो साइड पे जो है बैंकट हॉल है, बहुत सारा जंगल वगैरह, मतलब एक तरह से पार्क वगैरह बनाया हुआ है, गेस्ट हाउसेस बने हुए हैं, बस वेट है खाली टिकट्स खुलने। ऐसे विश है कि जल्दी खुल जाए थोड़ा, तो थोड़ा मजा आ जाएगा। आफ्टर हाफ एन आवर हम वेट कर रहे थे इस पार्क के अंदर एंड अभी जस्ट ना टिकट्स वगैरह खुली हैं। एंड अभी मैं जाके वहाँ पे पीछे से टिकट वगैरह कटवाऊंगा एंड आपको अंदर का सारा व्यू दिखाऊंगा। तो चलते हैं वहाँ पे, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि टिकट्स लेकर अंदर का सारा व्यू। ये हमें टिकट्स मिल गई हैं, ये टिकट्स मिल गई हैं। मैं और मेरा फ्रेंड अभी यहाँ से अंदर के लिए जाएंगे एंड अभी हम जा रहे हैं अंदर के लिए। एंट्रेंस में ये है, ओ माय गुडनेस, तो यहाँ पे सारे राजा महाराजा के पोस्टर्स वगैरह हैं। और ये साइड पे मैप है, मैप है ये जम्मू कश्मीर का, जो पुराना मैप था वो है। एंड ये सब कुछ पुरानी पेंटिंग्स वगैरह और ये हिस्ट्री वगैरह जो है वो सबको, और ऊपर महाराजा की फोटोज हैं और इस साइड भी काफ़ी से इसी जितनी भी हिस्ट्री वगैरह इन सब की, सब कुछ यहाँ पे बताया हुआ है। एंड यहाँ पे स्टेट के ड्रेसेस वगैरह हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे देखने वाली। एंड ये महाराजा करण सिंह के बचपन के फोटो। यहाँ से अंदर आने के बाद यहाँ पे इधर से एंटर करने वाली, ये रूम खाली इनके अचीवमेंट्स एंड अवार्ड से भरा हुआ है। ये ना पूरा का पूरा इनके अचीवमेंट्स एंड ये उनका फोटोज वगैरह सब कुछ है, उनके अचीवमेंट्स वगैरह से भरा पड़ा है, जितने भी मेडल्स वगैरह उन सब से भरा हुआ है। एंड वो सामने जितनी भी बुक्स वगैरह हैं एंड ऊपर इनकी मैरिज की फोटोज एंड जिनकी भी इन्होंने जितनी भी बुक्स वगैरह लिखी है उन सबसे सब कुछ भरा पड़ा है यहाँ पे। एंड दिस इज ऑसम वन यार, मतलब। एंड ये सब भी है करण सिंह महाराजा, डॉक्टर करण सिंह की फोटो उनकी वाइफ के साथ, आई थिंक सो। एंड ये सब कुछ, एंड यहाँ से बाहर निकलते ही ओ माय गुडनेस, तो यहाँ से आगे जाते हो और यहाँ पे लेफ्ट साइड में है लेफ्ट साइड में मूर्ति, यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा की मूर्ति है और यहाँ पे सब कुछ बताया हुआ कि World War II में क्या हुआ था हिटलर के साथ एंड सारी हिस्ट्री वगैरह बताई हुई है। इधर आगे कुछ आएगा अंदर, एंड यहाँ पे इनका फोटो। इधर अंदर से बाहर आने के बाद ना ये यहाँ पे व्यू इतना जबरदस्त है ना, कहने की बात नहीं सर। यहाँ पे है सोने, तो ये गाइस सोने की कुर्सी वो अंदर है, सामने का व्यू ये अंदर ही है, सामने से दिखती है। तो ये अब गाइस सोने की कुर्सी, ये सोने की है क्या?
प्योर गोल्ड सही है यार, ओरिजिनल भी होगी, ओरिजिनल होनी चाहिए सोने की है। तो ये ओरिजिनल सोने की कुर्सी जो मतलब राजा थे वो यूज़ करते थे इस कुर्सी को बैठने वगैरह के लिए। तो इधर से आगे जाके बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं पता होंगी जम्मू के बारे में वो सब यहाँ पे बताया गया। तो यहाँ पे मतलब पेंटिंग्स वगैरह एंड क्या क्या था डिज़ाइनिंग वगैरह जो इन जम्मू कश्मीर में यूज़ हुई हैं एंड सब कुछ बताया गया काफ़ी अच्छे तरीके से। एंड ये फ़ोटोज़ हैं राजा महाराजा के पुराने बहुत सारे। तो ये सब कुछ यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से एंड ये भी फोटो है इनकी, जितनी भी महारानियाँ राजा अभी तक रहे हैं, डॉक्टर करण सिंह की फोटो है। एंड ये है, और ये है जम्मू कश्मीर का मैप, आई थिंक सो, हाँ जम्मू कश्मीर का मैप है ये, और जो मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया था। बहुत पुराना मैप है ये, उस टाइम पे यूज़ होता था, जैसे आप देख रहे हो ये पूरा मतलब उस टाइम पे यूज़ होता था। और ये छोटी छोटी चिट्स जो लगी हुई हैं इनके ऊपर, इसके ऊपर डिवाइड किया हुआ है, मतलब पूरी तरह से डिवाइड किया हुआ है स्टेट को अलग अलग चीज़ों में। और यहाँ पे महाराजा गुलाब सिंह की फ़ोटो है एंड इसके नीचे यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोज़ वगैरह भी लगाए हुए हैं। और ये कौन सा मंदिर है, उदेश्वर मंदिर तंजौर में जो है ये वो मंदिर है। एंड इसके ऊपर महाराजा रणवीर सिंह की फ़ोटो लगाई हुई है एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको पता नहीं होंगी लेकिन यहाँ पे आपको पता चलेंगी कितने की राजा रह चुके हैं अभी तक। एंड जैसे ये महाराजा प्रताप सिंह उनकी फ़ोटो लगी हुई है और नीचे इनकी डेट ऑफ बर्थ भी बताई हुई है कि कितने साल से कितने साल तक ये ज़िंदा रहे हैं एंड कितने साल तक इन्होंने लड़ाइयाँ वगैरह लड़ी हुई है। महाराजा राम सिंह, एंड राजा अमर सिंह, एंड इनके नाम पे क्लब भी है अमर सिंह क्लब, जिसका नाम आपने सुना ही होगा। बहुत सारी चीज़ें जम्मू में बनाई गई हैं राजा महाराजा के नाम से एंड ये सब देख सकते हो आप। इतना वेट करने के बाद अभी मसा पर्ची मिली, ख़त्म हो गया। इधर भी है तो मतलब काफ़ी बड़ा म्यूज़ियम है ये एंड लाइब्रेरी टाइप है। और यहाँ से एंटर करते हुए सामने मतलब बहुत सारी आर्ट गैलरी, एक तरह से आर्ट गैलरी एंड यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह पेंटिंग्स वगैरह बना के रखी गई हैं। ठीक है गाइस, ये जितनी भी पेंटिंग्स हैं ये सारे इन जम्मू कश्मीर के अंदर के जितने भी पेंटर्स रह चुके हैं ये सब उन्होंने बनाई हुई हैं। एंड अगर आप देखोगे इन पेंटिंग्स को, और ये इतनी ज़बरदस्त पेंटिंग है ना कहने की बात नहीं, ये सारी हैंडमेड है यार, कसम से कोई कह नहीं सकता। एंड यहाँ से अंदर बहुत ज़बरदस्त है यार, बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई हुई है यार यहाँ पे। तो मतलब ये वाली पेंटिंग स्पेशली मेरे को काफ़ी पसंद आई। ठीक है, ये वाली पेंटिंग्स ना स्पेशली मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई हैं एंड इनमें बताया गया हुआ है आई थिंक सो ये महाभारत को एक्सप्लेन किया गया हुआ है, विष्णु जी के अलग अलग अवतारों को इसमें दिखाया गया हुआ है इन पेंटिंग्स में। एंड बहुत सही पेंटिंग्स हैं ये यार, हैंडमेड पेंटिंग्स हैं और ये काफ़ी सही पेंटिंग्स हैं। पसंद आई यार, बहुत कुछ पसंद आया मेरे को यहाँ पे। एंड ये वाली पेंटिंग भी काफ़ी अच्छी है, आई थिंक सो लद्दाख की पेंटिंग है यार। एंड ये नेहरू जी की पेंटिंग है क्या, हाँ जी नेहरू जी की पेंटिंग है ये पूरी, ऐसे करके देख रहे हैं। एंड ये वाली पेंटिंग भी है, ये वाली पेंटिंग है, ये पेंटर पेंटिंग को पेंट करे लेकिन पेंटर का नाम नहीं पता हमें, लेकिन काफ़ी अच्छी पेंटिंग है। और ये वाली भी पेंटिंग है यार, बापू गांधी की पेंटिंग। और यहाँ पे सारी मतलब पेंटिंग्स के बारे में बताया हुआ है और दिखाया हुआ है कि कौन कौन सी पेंटिंग किस किस ने बनाई है और कब कब बनी। अगर तुम यहाँ पे आते हो ना, तुम्हारा आने का यहाँ पे एक ही मतलब हो सकता है कि अगर तुम्हें जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में अगर और जानना ना तो तब तुम यहाँ पे आ सकते हो। ठीक है ना, एंड यहाँ पे अभी एक इतना ज़बरदस्त व्यू पॉइंट है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा यहाँ पे। एंड मतलब मज़ा आया यार ये सब देख के। एंड अगर तुमने अपने बारे में, अपने जम्मू कश्मीर के बारे में और जानना है
तो तुम यहाँ पे आ सकते हो, विजिट कर सकते हो। बाय द वे मैं अगर अपनी तरफ से बताऊँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे आके एंड यहाँ पे राजा महाराजा के बारे में जान के एंड क्या क्या हमारे पास्ट में हुआ जम्मू कश्मीर में, वो सब जान के बहुत मज़ा आता है। एंड अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड उनको भी बताओ वहाँ पे बहुत सारी नॉलेज वाली चीज़ें भी हैं, लाइक पेंटिंग्स, बुक्स, अचीवमेंट्स जो हमें मिले हुए हैं पास्ट टाइम। एंड हमारी जो जम्मू कश्मीर की आर्मी थी, इंडियन आर्मी थी, उसने वर्ल्ड वॉर टू में भी पार्टिसिपेट लिया किया था। तो आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो। एंड ये वाला व्यू पॉइंट है यहाँ पे, तो मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला व्यू पॉइंट। ये व्यू पॉइंट है वहाँ तक, मतलब ये है इधर का व्यू पॉइंट। एंड सामने आपको दिख रहा है वो सिदरा है और ये पुल है, और सामने जो वो आपको देख रहा है ना वो है पीर बाबा, यहाँ का मांडा पीर बाबा जो मतलब फेमस है काफ़ी जम्मू में। ये है राज्य का महल मेरे बैकग्राउंड में। होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड ऐसे आपका सपोर्ट बना रहे तो अच्छा रहेगा मेरे लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। तो ये सब था आज के इस वीडियो में एंड इस महाराजा हरि सिंह पैलेस में यही सब था आज के इस ब्लॉग में। एंड यार सीधी बात बोलूँ मैं, अगर तुम्हें जानना है ना हिस्ट्री के बारे में जम्मू कश्मीर की तो यहाँ पे ज़रूर आना, विजिट हियर। एंड दिस इज़ द पैलेस गाइस एंड दिस इज़ इनसेन। अगर अंदर जाके थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।